हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग का पेपर चल रहा है जेई मेन का, तो प्यारे बच्चों उसमें आपको करना क्या है, आसान आसान क्वेश्चन ढूंढना है ताकि आप और अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं सवाल लेके आया हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का, जो भी कल वाले शिफ्ट में सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सा है। अगर आप उसे, मैं एक और नेक्स्ट तरीका आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका उसको सॉल्व करने का। जनरली हम लोग ट्रूथ टेबल से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सेट डायग्राम से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों वही तरीका मैं आपको बताऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, ट्रूथ टेबल से बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्लियर है, तो आओ इसको एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे बच्चों, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी और क्यू। क्लियर है, तो प्यारे बच्चों एक चीज आपने पढ़ा होगा कि पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब ये होता है निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। क्लियर है, क्या ये पढ़े हो क्या? यस सर पढ़े हैं बिल्कुल। तो निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि इसका वैल्यू भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस। तो यहाँ पे क्या होल निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ दैट इंटू दैट, तो निगेशन का निगेशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो मतलब निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। प्यारे बच्चों ये क्लियर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है प्यारे बच्चों कि अगर इसको हम लोग सेट डायग्राम से देखें, ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ है, क्यू के साथ है, और यूनियन किसके साथ है, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू के साथ है। तो प्यारे बच्चे निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू और इसका जो आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, इसका कोई मतलब है क्या? ये चीज़ इसमें फिर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, यानी कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आप मात्र 2-3 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हो। क्लियर है, तो ऐसे सवाल बिल्कुल ना छोड़ के आएँ और प्रॉपर क्वेश्चन को बनाते रहें और आसान आसान सवाल जरूर कोशिश करें ढूंढने की। जय हिंद प्यारे बच्चों।